नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। रायसेन दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। इस दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के साथ ही उन्होंने खराब फसलों का भी जायजा लिया, बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। उनतीस तारीख को मैं खाते गांव में खराब फसल देख के लौटता था, भोपाल पहुंचा और सब तरफ से खबर आने लगी, जबलपुर संभाग में भारी बारिश, जबलपुर मंडला दिलोली बालाघाट छिंदवाड़ा सिवनी नरसिंहपुर होशंगाबाद रायसेन विदिशा भोपाल आसपास के पूरे इलाकों में मूसलाधार बारिश, और रास्ते खबर आने लगी कि बल्कि ओवर फ्लो हो रहा है बांध, बल्कि हो बाढ़ ना हो तबाह हो कोलार हो बड़ा तालाब हो कलिया सौत हो। अब उस दिन रात भर मैंने आग नहीं लगाई, जब चारों तरफ से बाढ़ बढ़ने का संकट आ रहा था, नर्मदा जी की बाढ़ भी कई जगह 73 के ऊपर पहुंच गई, लोग कह रहे थे कि 73 में भी ऐसी बाढ़ नहीं आई थी, होशंगाबाद के नीचे चारों तरफ जलोदशा भीड़ और पानी पानी। अब ऐसी हालत में चुनौती थी, पहली चुनौती थी लोगों की जिंदगी कैसे बचे। हमने पहले एसडीआरएफ की टीम बुलाई, फिर एनडीआरएफ की टीम बुलाई, और फिर मुझे लगा कि अब तो आर्मी बुलानी पड़ेगी, सेना बुलवाई, फिर हमने एयरफोर्स बुलवाई, हेलीकॉप्टरों से लोग निकाले। कटनी में थाना प्रभारी का